हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अनिष्का का किचन में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू फिंगर्स कैसे बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा बनता है और बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके घर में अगर कोई मेहमान आया हो या स्पेशल बनाना हो बच्चों के लिए तो आप बना सकते हैं। तो चलिए, क्रिस्पी आलू फिंगर्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने आधा कटोरी सूजी लिया है और यहाँ पर देखिए बॉयल उबला हुआ यहाँ पर हमने 6 से 7 आलू लिया है और यहाँ पे देखिए 4-5 हरी मिर्च, इसका हमने बीज निकाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। फ्रेश हरा धनिया लिया है, इसको हमने छोटे टुकड़ों में काटा है और नमक स्वाद के अनुसार लिया है। सबसे पहले हम आलू को घिस लेते हैं। सबसे पहले हम आलू को घिस कर तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलू को हम इसमें घिसेंगे। आप चाहे तो मसल के भी इसको बना सकते हैं। इसका चलिए देखिए, आलू को हमने सभी आलू को हमने यहाँ पे घिस लिया है। ये देखिए, गैस हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पर हमने 1 कप पानी डाला है और यहाँ पे थोड़ा सा हम तेल डालेंगे पानी में थोड़ा सा, और पानी को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देखिए पानी जो है गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे सूजी और सूजी को थोड़ा नरम होने देंगे, इसको चला देंगे। गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देंगे जिससे सूजी हमारा नरम हो जाए। ये देखिए सूजी हमारा जो कि नरम हो गया, और इसको हम सूजी को इसमें हम अच्छे से मिला लेंगे जो है। अब हम इसमें डालेंगे आलू के घिसे हुए में सूजी को। अब इसको हम अच्छे से इसमें मिलाएंगे। इसमें हम साथ में डाल देंगे इसके धनिया भी डाल देंगे, इसकी हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च भी डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। सभी को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और कटोरी में देखिए तेल लिया है। सबसे पहले हम तेल को हथेलियों पर लगाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा हम इसमें से ये लेंगे आलू का, फिर इसको हम लंबे शेप में इसको हम दोनों हथेलियों से करते हुए हल्के हल्के हाथों से रोल रोल घुमाते जाएंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सभी को बनाकर रख लेते हैं एक प्लेट। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1-1 करके डालेंगे हम और इसको हम थोड़ा पलट देते हैं। इसको ब्राउन होने तक हम दोनों तरफ से पकाएंगे अच्छे से। इतना ध्यान रखेंगे कि आपस में एक दूसरे से ये चिपके ना। अलग अलग ही करके डालेंगे और इसको हम अलग अलग ही सिझाएंगे। ये देखिए अच्छे से हमारे जो है ये ब्राउन हो गए हैं चारों तरफ से। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे, जिसका तेल है ज्यादा वो सोख लेगा टिश्यू पेपर। ऐसे हम सभी को बना लेते हैं। इसको हम मीडियम ही आंच पर पकाएंगे, ज़्यादा तेज भी नहीं करेंगे और ज़्यादा धीमी आंच में भी नहीं पकाएंगे। और दूर दूर करते हुए हम 1-1 करके डालेंगे। जो हमारे आलू फिंगर्स हैं वो एक दूसरे से चिपके नहीं। ये देखिए हमारा क्रिस्पी आलू
फिंगर्स बनके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप अपने बच्चों के लिए इसको बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में। ओके, बाय।